मान लो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के अंदर जो है आपने 2.5 लिख दिया है ना, इसको बोलते कैसे हैं, इसको कैसे बोलते हैं, फ्रैक्शनल 2.5, इसको कैसे बोलेंगे, फ्रैक्शनल x, ठीक है। मान लो एक और नंबर देते हैं 3.7, यहां पर ब्रैकेट में इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल 3.7, ठीक है। अब आउटपुट कैसे आएगा ये भी समझ लेते हैं। जो 2.5 है इसमें देखिए, इस नंबर का 2 जो है इंटीग्रल पार्ट है और जो 0.5 है ये फ्रैक्शनल पार्ट है, तो यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3.7 में 3 जो है इंटीग्रल पार्ट है, 0.7 जो है फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शनल फंक्शन मेरे को फ्रैक्शनल पार्ट एज एन आउटपुट देता है, समझ आ गया। अगर मान लो इनपुट में रख दूं यहां पे 5 रख दूं, तो इसका तो फ्रैक्शनल पार्ट कुछ है ही नहीं, 5 तो बेसिकली 5.0 है, इंटीग्रल पार्ट 5 और फ्रैक्शनल पार्ट 0, इसका फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 हो गया। यहां पे एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट में कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, है ना, 1 से हमेशा छोटा होगा, है ना, ये आउटपुट होंगे ये हमेशा 1 से छोटे होंगे, ठीक है ना। ये वाली जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है 1 से हमेशा छोटा ही होता है, ये 0 से हमेशा बड़ा होता है, 0 भी हो सकता है, देखिए 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होता है। अगर हम कोई नेगेटिव नंबर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि नेगेटिव नंबर लिया हमने, है ना, -4.3 यहां पे लिया, तो -4.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट अगर आप लोगे ना, तो आप सुनिए बात को कैसे निकलेगा, देखिए ये जो -4.3 है ना, अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे तो ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, -5 + 0.7, है ना, ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा, -5 + 0.7, इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो हो जाएगा 0.7, कितना हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.7, ये हमें समझना है।